कोरिया जिले में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पटना नगर पंचायत में राष्ट्रव्यापी संविधान रक्षक अभियान के तहत आम सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत उपस्थित रहीं। इस अवसर पर सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए यह अभियान चला रही है, इसलिए सभी कांग्रेसी लोग जगह जगह जाकर नुक्कड़ सभा कर घर घर में हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि संविधान से छेड़खानी ना की जाए। वहीं इस विषय पर जब भाजपा के बैकुंठपुर विधायक भैया लाल रजवाड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है जो घूम घूम के लाल डायरी दिखा रहे हैं, संविधान को झूठा बता रहे हैं। मोदी सरकार में संविधान खतरे में नहीं है, इसलिए अभियान चला जा रहा है क्योंकि संविधान से हमारे मोदी सरकार खेल रही है, उसको बदल रही है, हमारा सुन नहीं रही है। राहुल गांधी को हमारे जब हम संविधान की रक्षा के लिए बोलते हैं तो वो देशद्रोही कहलाते हैं। इस सब का हम लोग ये सब कांग्रेसी लोग एक करके जगह जगह जाके नुक्कड़ सभा करके घर घर में ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान है इसे छेड़खानी ना की जाए। ये हमारे संविधान हमारा रक्षक है, आज हमें इसकी रक्षा करना खुद पड़ रहा है, तो ये हमारे भारतीय नागरिक होने की जो हमारे अधिकार हैं उनसे हमको वंचित ना किया जाए। संविधान खतरे में नहीं है, ये लोग खतरे में हैं, कांग्रेस वाले खतरे में हैं जो घूम घूम करके और लाल डायरी निकाल करके संविधान को झूठा बता रहे हैं। मोदी सरकार के राज्य में संविधान खत्म हो जा रहा है, तो ये गलत है। वो अपने संविधान को देखें और अपने कार्यकाल को देखें कि उनके कार्यकाल में संविधान कैसा था और आज कैसा है।